वेलकम फ्रेंड्स, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के 2021 के लिए अपने जारी होने वाले रिजल्ट का फॉर्मूला अब तय कर दिया है और ये अधिकृत फॉर्मूला सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है, जो कि कई सारे मीडिया के माध्यमों से आप तक भी पहुंच गया है। अब जो अंक निर्धारण के लिए जो फॉर्मूला तय किया गया है उसको आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि किस प्रकार कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अब आपके लिए उस आधार पर जारी किया जाएगा जो कि सरकार ने फॉर्मूला निश्चित किया है। अब ये फॉर्मूला काफ़ी कुछ हद तक आपकी जो पिछली जो दो कक्षाएं हैं उनके मार्क्स के साथ ही साथ आपके स्कूल के पास भी काफ़ी हद तक आपके रिजल्ट के अंकों का जो प्रतिशत है वो पहुंच गया है, यानी आपके विद्यालय के द्वारा भेजे जाने वाले मार्क्स आपकी परसेंटेज में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने जा रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी जो 10वीं और 11वीं का जो रिजल्ट है वो तो आपके जो एग्ज़ाम हुए उसकी मार्कशीट आपके पास है, बिल्कुल उसी आधार पर ही उसकी परसेंटेज तय होनी है। लेकिन अब जो मार्क्स स्कूल के हाथ में हैं वहाँ पर आपके जो भी आपका प्री बोर्ड हुई है या जितना भी आपका वहाँ पर असेसमेंट हुआ है, उसके अलावा अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो वहाँ पर जो ये स्कूल को अतिरिक्त अंक भेज दें 17 अंक के अलावा 10 अंक 10वीं में और 20 अंक 12वीं स्कूल्स के पास अलग से चले गए हैं, यानी 10वीं में अब 30 अंक स्कूल्स के पास हैं और 12वीं में 40 अंक स्कूलों के पास हैं, यानी आपका 40% रिजल्ट वहीं से तैयार हो जाएगा और 100% मार्क्स अगर 40 में से भेजे जाते हैं तो 40 अंक आपको प्लस में मिलेंगे और 10वीं में 30 अंक आपको प्लस में मिलेंगे। अब जो स्माइल टू प्रोग्राम आया था, जो ऑनलाइन जो पढ़ाई आप लोगों के लिए वहां पर सरकार के द्वारा जारी की गई थी, उसमें आपने कैसा प्रदर्शन किया इसके लिए सरकार की तरफ से प्रत्येक स्कूल में एक कमेटी का निर्धारण किया जाएगा। उस कमेटी में आपके प्रिंसिपल, आपके हेडमास्टर के अलावा आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं, आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं पढ़ाने वाले हैं, वो कमेटी भी आपके इन मार्क्स का निर्धारण करेगी जो कि बोर्ड के द्वारा आपको रिजल्ट में दिए जाएंगे, उन मार्क्स का वो निर्धारण करेंगी और वहाँ पर वो मार्क्स भेजेंगे। अब फॉर्मूले की बात करें तो 10वीं में 45, 25, 10 और 20 का फॉर्मूला सेट किया है। अब 45% अंक आपके 8वीं बोर्ड परीक्षा के होंगे, जो आपने 2019 में दी थी उसका 45% हिस्सा आपके 10वीं के अंकों में जोड़ा जाएगा। कक्षा 9 में जो अंतिम प्राप्त अंक है उनके अंक भार का 25% रहेगा, यानी 45% हिस्सा तो आपके 8वीं में जो आपके 3 बढ़िया सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपने अच्छे अंक लिए हैं उन सब्जेक्ट्स का औसत का 45% अंक आपके जोड़ दिए जाएंगे, और 9th में आपकी जो 3 टॉप सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनके 25% अंक आपके जोड़ दिए जाएंगे। 10 अंक आपको, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो स्माइल टू प्रोग्राम था और आओगर से सीखे जो प्रोग्राम थे, जो नवाचार वहाँ से जारी किए गए थे, उनमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा, आपने कितना हिस्सा लिया, 10 अंक उसके हैं और 20 अंक आपके द्वारा गृह कार्य की पुस्तिकाएं, कार्य पुस्तिकाएं जो स्कूल में जमा होगी आपको उसके अंक दिए जाएंगे, 20 अंक उसके हैं, 30 अंक ये 10वीं के हो गए। 12वीं की बात करें तो 12वीं में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2019 में प्राप्त अंक का अंक भार 40% रहेगा, आपके 40% अंक कक्षा 10वीं के। कक्षा 11 में हासिल अंकों का अंक भार 20% रहेगा, यानी जो कक्षा 11 में आपके अंक आए हैं उसका 20% हिस्सा जोड़ा जाएगा। अब 40% जो 10वीं के अंक है वो भी आपके जो 3 बढ़िया सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का औसत रहेगा 40%, और 20% रहेगा आपके कक्षा 11 का औसत रहेगा।
अब आपके ये तो हो गए 60% अंक दोनों कक्षाओं के। अब 40% अंक आपको जो दिए जाएंगे वो आपके स्कूल से दिए जाएंगे। काफी बड़ा हिस्सा आपके रिजल्ट का स्कूल के पास चला गया है और यहाँ पर आपको 40 में से 40 नंबर से लेकर आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको बढ़िया अंक यहाँ से मिल सकते हैं। स्कूल से आपका कैसा प्रदर्शन रहा है ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर 40% विद्यालय के पास आपके अंक चले गए हैं, इसलिए अब आपका जो फॉर्मूला है 40 + 20 अंक आपके जो स्माइल टू प्रोग्राम है और इसके अलावा अवगर से सीखे स्माइल, ये जो नवाचार किए गए हैं उनके अंक हैं और 20% अंक आपके 17 अंक के हैं। इस प्रकार 40% अंक आपको वहाँ से मिलेंगे और आपका रिजल्ट इस बेस पर तैयार किया जाना है। अब बारी आती है, अगर कोई विद्यार्थी फिर भी संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए वैकल्पिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रहे कि उस परीक्षा में अगर विद्यार्थी उस एग्ज़ाम को देता है तो उसमें आपके अंक कितने भी आए वही परिणाम अंतिम माना जाएगा। यानी फिर ये जो परिणाम इस फॉर्मूले से तय किया है भले उसके इससे कम आ जाए तब भी परिणाम वही माना जाएगा और ज़्यादा आ जाए तब भी परिणाम वही माना जाएगा। इसलिए वैकल्पिक परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम के आधार माने जाएंगे। दूसरा, जो प्राइवेट फॉर्म भरा है जो रेगुलर विद्यार्थी नहीं है उनको किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है, उन्हें आगे प्रमोट नहीं किया गया है। जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा है उनको परीक्षा देनी ही होगी, उनके लिए ये फॉर्मूला नहीं है, उनको परीक्षा देनी ही होगी, ऐसा सरकार द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। आशा है फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।